महान समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 92वीं पुण्यतिथि पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखनऊ के राम मनोहर लोहिया पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि राम मनोहर लोहिया भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा महात्मा गांधी से प्रेरित थे। आजादी के आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे सिर्फ 10 साल की उम्र में ही सत्याग्रह से जुड़े थे। 1940 में राम मनोहर लोहिया ने सत्याग्रह अब लेख लिखा था। उन्होंने कहा कि आज सभी को लोहिया जी के विचारों पर चलने की आवश्यकता है। बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी लगातार जो रास्ता डॉक्टर लोहिया जी ने दिखाया, उसी रास्ते पे आज भी समाजवादी पार्टी चल रही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवादी चिंतक नेता भाई, किस तरीके से गरीब किसान मजदूर गांव में रहने वाले लोग व्यापारी और सभी वर्गों को साथ लेकर के चल करके ही देश बन सकता है, ये सपना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने देखा, समाजवादी नेताओं ने देखा। डॉक्टर लोहिया जी की परंपरा है, तमाम समाजवादी नेताओं ने जनेश्वर मिश्र से लेकर भूषण तिवारी जी, मोहन सिंह जी और नेताजी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्हीं सिद्धांतों की आज जरूरत है। आज समाजवादी कार्यक्रम ही देश को खुशहाली के रास्ते पे ले जा सकते हैं। समाजवादी अगर है तो कोई जातिवादी नहीं हो सकता। समाजवादी है तो उसकी हमेशा कोशिश रहती है कि सभी जातियां सभी धर्म एक साथ मिलकर के कैसे चलें, जो समाज में दूरियां बनी हैं वो कैसे कम हो, उस रास्ते को दिखाने का काम समाजवादी लोग करते हैं। और हमेशा समाजवादी चिंतकों ने वही रास्ता ढूंढा है जिससे देश खुशहाल हो, हमारा भारतवर्ष खुशहाली के रास्ते पर जाए। जो सपना डॉक्टर लोहिया जी ने देखा आज उसको समाजवादी लोग पूरा कर रहे हैं के रास्ते पर हैं। जब कभी सरकार समाजवादियों की बनी, उस रास्ते पर समाजवादी विचारधाराओं पे प्रदेश को ले जाने का काम किया। हम तो आज भी कहते हैं और इस बात को तमाम लोग महसूस भी करते हैं, समाजवादियों ने जो विकास का रास्ता दिखाया, जिस तरफ विकास लेकर के चले हैं, वो बीजेपी के लोग नहीं दिखा पाए वो रास्ता। अब तो केंद्र सरकार के लगभग 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, प्रदेश सरकार के भी अपने लगभग 2 साल पूरे हो जाएंगे। कोई काम हो जो जमीन पे दिखाया हो, यही लोग कहते थे कानून व्यवस्था ठीक कर देंगे। आज कानून व्यवस्था की हालत क्या है, राजधानी में हत्याएं हो रही हों और लगातार हत्याएं हो रही हों, और इसलिए हो रही हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा आप सोचिए, मुख्यमंत्री जी की रिवाइंड करिए सब भाषण, चाहे उन्होंने सदन में दिया हो चाहे मंचों से दिया हो, और जो मुख्यमंत्री ये भाषा का इस्तेमाल करता हो कि ठोक दो, सबने असली हाथ में ले लिए। अभी अभी विवेक तिवारी की हत्या हुई थी, पुलिस ने हत्या की थी, फिर 2 अभी हत्या हो गई, फिर 1 और हो गई, और आज भी अखबार अगर खोल करके देखें तो बताओ राजधानी की हालत क्या है, और राजधानी के साथ साथ प्रदेश में और जगह से जो खबरें आती हैं, ए माइक और ऊपर कर लो, पूरी तरीके से कानून व्यवस्था पे असफल हिंदी न्यूज देख जरूर दिखना चाहिए। सोचिए छात्र संघ का चुनाव बीजेपी हार गई, छात्र संघ में उनके लोगों को समर्थन नहीं मिला, जिसमें समाजवादी छात्र सभा के या समाजवादी प्रत्याशी रहते उस हॉस्टल में आग लगा दी। कौन लोग थे जो आग लगा रहे थे, ये आगजनी से आग लगा करके समाज में दूरियां बनाकर जातियों में लड़ा करके ये राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन जनता जाग गई है और जनता इतनी जाग गई है कि वो इंतजार कर रही है कि चुनाव की तारीख कब आए। नौजवानों को नौकरी मिली, किसान का 2 गुना उनका आय बढ़ जाएगी, और जो मुनाफा सरकार कर भी रही है डीजल पेट्रोल से, वो आखिरकार जा कहाँ रहा है। और याद रखिए, जो अपना ज्यादा दामन साफ दिखाएगा उसी के दामन पे छींटे दूर से दिखाई देंगे। अब तो कितनी उंगलियां उठने लगी हैं, कोई एक उंगली नहीं उठा रहा है कोई।
हर तरफ से उंगली उठ रही है और तमाम चीजों के सवालों का जवाब सरकार नहीं दे रही है और चुप्पी रख करके कहीं ना कहीं यही इशारा है कि जो हो रहा है वो होने दो। ऐसी खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।